मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वीरवार को सोलन के एक निजी स्कूल में युवाओं को नशे से दूर रहने का आह्वान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि बच्चे को बचपन में संभाल लिया जाए तो उनका भविष्य बेहतर होता है। उन्होंने अभिभावकों सहित बच्चों के अध्यापकों से आह्वान किया कि वो नशे जैसी गंदी लत से अपने बच्चे को बचाने के लिए उन पर नजर रखे ताकि उनके जीवन का दीपक जला रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते मंगलवार को सोलन में अपहरण के बाद हत्याकांड मामले पर कहा कि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं शर्मसार करने वाली है। उन्होंने अप्रवासी लोगों के बारे में पूछे एक सवाल के बारे में बताया कि राज्य की कानून व्यवस्था ठीक है लेकिन इसे और अधिक दुरुस्त करने की आवश्यकता है ताकि देवभूमि को दानव भूमि बनाने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में लगे सभी अध्यापकों को बच्चों की पढ़ाई के साथ साथ बच्चों के चरित्र पर भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं उनका छात्र नशे की लत में तो नहीं पड़ रहा। उन्होंने कहा कि नशे जैसी गंदी बुराई को समाप्त करने के लिए सभी को सहयोग करना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में बढ़ रहे अपराधों को लेकर कहा कि देवभूमि में एकाध अपराध होते हैं लेकिन शांतिप्रिय राज्य होने के चलते ये बड़ा रूप धारण कर लेते हैं। हालांकि उन्होंने कानून व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने की बात कही। यही कहना चाहता हूं कि हिमाचल देवभूमि के नाम से जाना जाता है और उसके बावजूद भी सचमुच भी ये हमारे लिए चिंता का विषय है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में भी नशे का प्रचलन कहीं कहीं देखने को मिला है। इसको रोकने की आवश्यकता है और बच्चों से मैं इस बात के लिए आग्रह कर रहा हूँ, निवेदन करता हूँ, जहाँ भी ऐसे संस्थानों में जाना होता है कि नशा अपने लिए नुकसानदायक है, समाज के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए नुकसानदायक है, इसे रोकना होगा। और रोकने के लिए जो अभियान सरकार की ओर से हमने चलाया है और उस अभियान का हिस्सा बने, उसका साथ दें, सहयोग दें ताकि जो है हम हिमाचल प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें और ख़ासतौर से जो हमारी नई जनरेशन है वो आगे बढ़ करके इस देश के लिए, इस प्रदेश के लिए अपना कंट्रीब्यूशन, अपना योगदान जो है दे सकें। ऐसी भी परिस्थिति नहीं है कि बहुत ही कानून व्यवस्था यहाँ पर चरमरा गई है। कुछ एक आइसोलेटेड इंसिडेंट्स बीच में होते हैं और सचमुच में वो हमारे छोटे से इस प्रदेश में, क्योंकि शांतिपूर्ण प्रदेश है, छोटी घटना होती है वो भी बहुत बड़ी दिखती है। ऐसी परिस्थिति में हमारा तो ये प्रयास है कि घटना हो ना, लेकिन फिर भी कहीं घटना हो जाती होती है तो उसके लिए हम कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती है उस कार्रवाई को करते हैं। सिटी चैनल के लिए सोलन से दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।